सनशाइन होटल में गुड्डू की बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया था। होटल में जोर से म्यूजिक बज रहा था और सभी लोग डांस कर रहे थे। छह दोस्त सोफे पे बैठे थे, वो गन्ने का जूस ऑर्डर करते हैं। उनमें से कुछ दोस्तों ने बिना बर्फ का जूस ऑर्डर किया और कुछ दोस्तों ने बर्फ वाला। वेटर छह जूस के ग्लास लेके आता है। तो क्या आप इन ग्लासेस को देख के बता सकते हैं कितने दोस्तों ने बर्फ वाला जूस ऑर्डर किया है और कितने लोगों ने बिना बर्फ वाला? अच्छे से सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चार ग्लास तो पूरे भरे हुए हैं, इसलिए उसमें बर्फ डालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दो ग्लास थोड़े खाली है और कटोरी में बर्फ के टुकड़े भी रखे हुए हैं। इसका मतलब दो लोगों ने बर्फ वाला जूस ऑर्डर किया होगा। वो दो लोग अपने अपने ग्लास में बर्फ के टुकड़े डालते हैं और सभी दोस्त एक साथ मिलकर गन्ने का जूस पीना शुरू करते हैं। तभी अचानक उनमें से एक दोस्त बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से जूस का ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है। गुड्डू और उसके सारे दोस्त उसे हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बॉडी से पसीना निकलने लगता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए होटल से बाहर लेके आते हैं। इस वक्त होटल के बाहर तीन बाइक खड़ी हुई थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि गुड्डू और उसके दोस्त हॉस्पिटल जाने के लिए तीनों में से कौन सी बाइक यूज कर सकते हैं, ए बी या सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, पहली वाली बाइक का तो सारा पेट्रोल लीक हो गया है और दूसरी वाली बाइक पर केवल दो लोग ही बैठ सकते हैं और गुड्डू का दोस्त इस वक्त बेहोश है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए तीसरा आदमी भी लगेगा। तो वो तीसरी वाली बाइक को यूज करेंगे। गुड्डू और उसका एक दोस्त अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे चेक करता है और कहता है कि ये मर चुका है। डिटेक्टिव मेहुल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और डेड बॉडी को देखता है। गुड्डू के दोस्त की बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी थी। इससे मेहुल समझ जाता है कि इसे जहर दिया गया है। ये सब कैसे हुआ? तब गुड्डू बताता है, सर मैं और मेरे दोस्त सनशाइन होटल में बर्थडे पार्टी मना रहे थे, तभी अचानक मेरा दोस्त बेहोश हो गया। हम इसे हॉस्पिटल लेके आए, तब तक ये मर चुका था। मेहुल गुड्डू के साथ तुरंत सनशाइन होटल के लिए निकल जाता है। अब गुड्डू तो मेहुल के साथ चला गया, तो क्या आप बता सकते हैं उस गाड़ी का क्या होगा जिस पर गुड्डू अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेके आया था? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। गुड्डू के साथ उसका एक तीसरा दोस्त भी आया था, तो उसका दोस्त गाड़ी वापस लेके आ जाएगा। मेहुल और गुड्डू सनशाइन होटल पहुंच जाते हैं। गुड्डू के सारे दोस्त अभी भी होटल में मौजूद थे, जब तक केस की छानबीन पूरी नहीं हो जाती, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सनशाइन होटल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस देखने के लिए सीसीटीवी रूम के पास पहुंच जाता है। सीसीटीवी रूम का दरवाजा देखते ही मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। कैसे? ऐसा मेहुल क्या देखता है जिससे उसे लगता है कि रूम में गड़बड़ हुई है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? सीसीटीवी रूम के दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, लेकिन कमरे के अंदर से रेड कलर का एक लिक्विड गेट के नीचे से बाहर आ रहा है। मेहुल उस लिक्विड को चेक करता है तो शॉक हो जाता है, ये तो ब्लड है। मैनेजर जल्दी से रूम का ताला खोलता है और दोनों रूम के अंदर जाते हैं तो वहां सिक्योरिटी बॉय की डेड बॉडी मिलती है। इसका किसी ने मर्डर कर दिया है, आज यहाँ दो मर्डर हो गए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे पता चला कि सिक्योरिटी रूम में जो डेड बॉडी पड़ी है उसका मर्डर किया गया है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सिक्योरिटी बॉय के लेफ्ट हैंड के कलाई की नस कटी हुई है और उसने चाकू भी उसी हाथ में पकड़ा हुआ है। अब भला ये कैसे संभव है? इसका मतलब किसी ने उसका मर्डर किया और जल्दबाजी में चाकू गलत हाथ में पकड़ा दिया। मेहुल तुरंत सिक्योरिटी रूम के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है। किसी ने यहाँ के सारे वीडियो डिलीट कर दिए थे। जरूर इस सिक्योरिटी बॉय ने गुड्डू के दोस्त के कातिल को देख लिया होगा, इसलिए उसने इसको भी मार दिया। हो ना हो कातिल कोई अंदर का ही आदमी है। सिक्योरिटी रूम में ताला लगा हुआ था, मतलब जो भी कातिल है उसके पास चाबी है। सिक्योरिटी रूम की चाबी होटल में केवल चार लोगों के पास रहती है। वो सिक्योरिटी बॉय तो मर चुका है। अब बाकी के बचे हुए तीन लोगों से मेहुल पूछताछ करता है। मेहुल सबसे पहले मैनेजर से पूछता है। मैनेजर कहता है, सर मैं तो यहाँ आया भी नहीं था, मैं तो बर्थडे पार्टी मैनेज करने में बिजी था और ये इंसिडेंट हमारे होटल के लिए अच्छा नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। रमन कहता है, सर मैं पार्टी हॉल में था, मेरे घर से कॉल आ गया था और मैं वहाँ बात करने में बिजी था, ये देखिए मेरा फोन। नरेश कहता है, सर आज होटल में एक वेटर कम था इसलिए मैं वेटर का काम देखने में बिजी हो गया था। सर आप बाकी वेटर से भी पूछ सकते हैं। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
मेहुल को रमन पे डाउट होता है क्योंकि पार्टी हॉल में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था, तो फिर वो मोबाइल पे बात कैसे कर सकता है, और उसकी डायल लिस्ट में बस एक ही नंबर था। मतलब उसने डायल लिस्ट डिलीट की है, लेकिन क्यों? पूछताछ करने पे रमन कहता है कि उसे एक आदमी ने 5,000 रुपए दिए थे और बदले में उसने सिक्योरिटी रूम की चाबी दे दी, इसके सिवा उसे कुछ नहीं पता है। मेहुल पार्टी के सारे लोगों को ध्यान से देखता है तो उसे 3 लोगों पर डाउट होता है और वो उनसे पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो यहाँ वेटर हूँ, आज मैंने ब्लेजर पहन रखा है इसलिए मैं थोड़ा अलग लग रहा हूँ। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं इसी होटल में काम करता हूँ और जिस समय गुड्डू के दोस्त की डेथ हुई उस समय मैं तो सिक्योरिटी रूम में चेक करने गया था। और तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो उस समय किचन में खाना बना रहा था, आप चाहे तो मैनेजर से पूछ सकते हैं। तीनों की बातें सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि सिक्योरिटी रूम की चाबी केवल 4 लोगों के पास थी, तो वो सिक्योरिटी रूम में कैसे जा सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है। पूछताछ करने पे वो बताता है कि उसे एक आदमी ने कुछ पैसे दिए और सिक्योरिटी रूम के बाहर खड़े होकर पहरा देने के लिए कहा। सिक्योरिटी रूम के अंदर क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कातिल बहुत ही चालाक है, उसने पूरी तैयारी के साथ ये दोनों मर्डर किए हैं। तभी गुड्डू के दोस्त की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया है। इस तरह के जहर से खाने के 4-5 घंटे बाद इंसान की डेथ होती है। तभी वहां खड़ा एक वेटर कहता है, लेकिन सर गुड्डू का दोस्त 40 मिनट पहले ही होटल में आया था, मैंने उसे अंदर आते हुए देखा था। इसका मतलब उसे जहर होटल में नहीं बल्कि होटल से बाहर दिया गया है। तभी एक वेटर की चिल्लाने की आवाज आती है। मेहुल पीछे पलट के देखता है तो उसे टेबल पे 3 लोग दिखते हैं। तीनों में से एक अनकॉन्शियस हो गया है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? एक के पास ऑरेंज जूस और ऑरेंज लिक्विड है और एक के पास ऑरेंज जूस है लेकिन ग्रीन लिक्विड बाहर है। मेहुल उसे चेक करता है तो वो अनकॉन्शियस रहता है। मेहुल तुरंत उसे हॉस्पिटल भिजवा देता है। ये भी लगता है स्लो पॉइजन की वजह से हुआ है। मतलब गुड्डू का दोस्त और ये आदमी कहीं सेम जगह तो नहीं गए थे जहाँ इनको पॉइजन दिया गया हो। तब गुड्डू का दोस्त कहता है, लेकिन सर होटल में आने से पहले वो गुड्डू के साथ ही था और गुड्डू के साथ शॉपिंग मॉल गया था। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। मॉल के अंदर जाने के लिए 3 रास्ते थे। पहला रास्ता सीढ़ियों का था जिसमें काफी भीड़ थी, दूसरा रास्ता एस्केलेटर्स का था लेकिन वो खराब थी, और तीसरा रास्ता लोगों के बाहर जाने के लिए था। तो क्या आप बता सकते हैं मेहुल कौन सा रास्ता लेगा जल्दी से जल्दी मॉल के अंदर पहुंचने के लिए? पहले वाले रास्ते पे बहुत भीड़ है और तीसरा वाला रास्ता बाहर आने के लिए है, मेहुल दूसरा रास्ता लेगा। एस्केलेटर्स खराब है लेकिन उनपे वॉक करके भी तो जाया जा सकता है। मेहुल मॉल के अंदर पहुंचकर तुरंत सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो दंग रह जाता है। गुड्डू अपने दोस्त को एक चॉकलेट देता है, जरूर पॉइजन इसी चॉकलेट में होगा, लेकिन लॉजिकल आर्मी दूसरे फ्रेंड तक पॉइजन कैसे पहुंचा होगा? सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखिए। गुड्डू के फ्रेंड ने पूरी चॉकलेट नहीं खाई थी, उसने थोड़ी चॉकलेट पॉकेट में रख ली थी, जरूर उसने बची हुई दूसरे फ्रेंड को दे दी होगी। मेहुल हॉस्पिटल में जाके दूसरे फ्रेंड का पॉकेट चेक करता है तो उसमें वो चॉकलेट का रैपर मिल जाता है। मेहुल तुरंत जाकर गुड्डू को पकड़ लेता है। पूछताछ करने पे गुड्डू कहता है कि उसकी अपने दोस्त से पुरानी दुश्मनी थी और आज मौका मिलते ही उसने उसे मार दिया और खुद डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया ताकि उस पर कोई शक ना करे। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।